गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सबको फिर से एक और बार धन्यवाद। आज इस सम्मेलन में आप लोग आए हैं। आज मैं एक आप लोगों से परमिशन ही लेके दो इश्यूज़ को कवर करना चाहूँगी। जो पहला मुद्दा है, आप लोगों ने 21 सितंबर को जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिला आरक्षण के बारे में अपनी चिट्ठी के माध्यम से पूछा था कि इतनी बहुमत के बाद भी लोकसभा में महिला आरक्षण का जो बिल है उसको क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम में एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस बिल का इंट्रोडक्शन होगा लोकसभा में, हम गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। आज 24 तारीख है, कल 23 तारीख को हम राष्ट्रपति जी के पास गए थे, क्योंकि आप सब अवगत हैं कि 21 मई को जो हमने सिग्नेचर कैंपेन महिला कांग्रेस के माध्यम से किया था, उससे करीब करीब 32 लाख हस्ताक्षर का कैंपेन हमारा 20 सितंबर को ख़त्म हुआ था, और इन सिग्नेचर्स में श्रीमती सोनिया गांधी जी शामिल रही, राहुल गांधी जी शामिल रहे, सिंधिया जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, अंबिका सोनी जी, शैलजा कुमारी जी, उनके अलावा 32 लाख से ज़्यादा नागरिक पुरुष और महिलाओं ने इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया था। हमने राष्ट्रपति जी से ये निवेदन किया, हम करीब 40-41 ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स और स्टेट प्रेसिडेंट्स हम लोग गए थे वहाँ पर, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया, और उसमें यही हमने निवेदन किया है राष्ट्रपति जी से कि 20 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री जी का आज तक किसी तरह का आश्वासन, मैं कहूँगी कि सोनिया गांधी जी के चिट्ठी के बाद उन्होंने लिखित में नहीं कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम भारतीय जनता पार्टी का ये वक्तव्य सुनते हैं कि हमारे पास संख्या नहीं थी, राज्यसभा में नहीं है, इसलिए हम संशोधन नहीं ला पा रहे। जीएसटी के समय में ये बार बार ये बात आ रही थी, पर आश्चर्यजनक बात यह है कि मेजॉरिटी लोकसभा में होने के बावजूद और ये बिल नहीं ला रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के 21 नंबर पन्ने पे उन्होंने एक देश की महिलाओं से या इस देश को एक वादा किया था कि हम विमेंस रिजर्वेशन पे कमिटेड हैं। तो साढ़े तीन साल बाद जिस बात को लेकर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भी आपके साथ खड़ी है, सवाल ये होता है कि आप क्यों इस बात से मुकर रहे हैं। आप में से कोई ये सोच सकता है कि 20 सितंबर 21 सितंबर को एक प्रेस मीट हुआ और आज फिर एक प्रेस मीट हो रहा है, पर ये ज़रूरी इसलिए है कि प्रधानमंत्री एक बार और फिर से मौन है। तो अगर मैनिफेस्टो में आरक्षण है, सोनिया गांधी जी की लिखित में चिट्ठी में आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोक रही है? क्या प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री बाद में और प्रचारक पहले हैं? ये सवाल उठता है, क्योंकि जब सोनिया गांधी जी जैसी हस्ती या एक लीडर अगर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती है, जो चीज़ उनके मैनिफेस्टो में है वो उसका एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं करते हैं, किसी तरह का वो एश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं? इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन के समर्थन के बावजूद, अपने मैनिफेस्टो के बावजूद क्यों प्रधानमंत्री इस कर्तव्य से मुकर रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी ने जो गुजरात में कही थी कि आरएसएस की नीति नारी शक्ति के खिलाफ है, महिला के खिलाफ है, और क्या आरएसएस के आदर्श और जो प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके लिए आज नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए? ये सवाल हम करना चाहते हैं।
मैं ये भी कहूंगी कि राष्ट्रपति, देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कीपर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं। उन्होंने कल हमारे मेमोरेंडम के जवाब में ये कहा कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है और संविधान के अंदर रहकर जो आरक्षण हम महिलाओं को दे सकते हैं उसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। हम उनको अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने ये आश्वासन दिया। पर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं। 31 अक्टूबर जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी जो इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, महिला कांग्रेस की तरफ से हर जिले में हम प्रधानमंत्री जी को लिखित में अपना ये जो डिमांड है, जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको लिखित में देंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है या हमारा अंदाज़ा है कि सेशन नवंबर के 13 या 14 या 15 तारीख से शायद घोषित हो जाएगा। तो हम 31 अक्टूबर को हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से महिला कांग्रेस के हर जिला अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से ये डिमांड करेगी कि ये बिल विंटर सेशन में लाया जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एंगल है, 3.5 साल बाद अगर इस विंटर सेशन में महिला आरक्षण का बिल नहीं लाया जाता, नहीं पेश किया जाता, ये 2019 में लागू नहीं हो सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गुजरात में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, करोड़ों का वो घोषणा करते हैं कि हम ये स्कीम करेंगे, वो स्कीम करेंगे, पर सवाल ये है कि 3.5 साल पहले या 3 साल पहले आपने घोषणा क्यों नहीं करी। इट इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टो एंड इलेक्शन प्रॉमिस। सवाल ये उठता है कि 3.5 साल बाद अगर विंटर सेशन में ये बिल नहीं पेश किया जाता, ये 2019 में इम्प्लीमेंट, लागू नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, क्योंकि मोदी जी जुमलों के राजा महाराजा हैं, वो विंटर सेशन में बिल को लाके शायद कभी 19 में इसको लागू ही नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिल को लाना है। राष्ट्रपति जी को हमने यही बात समझाने की कोशिश करी है कि इस बिल को सिर्फ विंटर सेशन में लाना ही नहीं है, पर उस अथॉरिटी को बिठा के उसको लागू करना है। सो मोदी जी एक बार फिर चुप है, और हमारा ये विश्वास है या हमारा ये दावा है कि प्रधानमंत्री जी फिर से आरएसएस के आदर्शों में घिर गए हैं। संख्या उनके पक्ष में है, प्रिंसिपल विरोधी दल उनके पक्ष में है इस बारी विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, तो वो चुप क्यों है? उसका एक ही कारण है, वो है आरएसएस की चिंताधारा। आप लोगों को अगर डू यू वांट मी टू से इट इन इंग्लिश और इज इट गुड इनफ? आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड हिंदी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस और शुड आई गो टू द सेकंड टॉपिक, इस पे पूछ लेते देन आई विल से इन इंग्लिश। आई जस्ट ब्रीफली से जस्ट 3 पॉइंट्स that you have already attended a press meet on 21st of September where AICC President Sonia Gandhi ji wrote to Prime Minister Modi. But I can't say I am surprised, but Prime Minister Modi has not responded to that letter. So here is a situation where Bharatiya Janata Party in its own manifesto in 2014 said that they are committed to 33% reservation for women. Here is a situation where a party is in majority in Lok Sabha, and here is a situation where the Indian National Congress principal opposition party, the president of the principal opposition party, is extending her support in writing to the reservation bill for women in Lok Sabha and assembly. The only question, aaj jab main bhi koi chitthi likhti hu, pradhanmantri ji ka ek jawab aa jata hai, received your letter and I am looking into it. Sawal ye hai कि वाई इज द प्राइम मिनिस्टर साइलेंट टिल टुडे, एंड आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, दैट इट इज़ द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड द माइंड सेट ऑफ द आर एस एस विच इज ऑलवेज बीन एंटी वुमन, अगेंस्ट एम्पावरिंग वुमेन स्पेशली पोलिटिकली एंड अदरवाइज, दैट इज स्टैंडिंग इन हिज वे। वाई इज प्राइम मिनिस्टर मोदी साइलेंट ऑन दिस इशू? ही मस्ट ब्रिंग दिस बिल इन द विंटर सेशन, बिकॉज जस्ट पासिंग द बिल इज स्टेप वन।
There are various other steps after that they have to be taken so that it is fully implemented in 2019. 3.5 years have passed. He has done nothing about his self-proclaimed commitment to women's reservation bill in his own manifesto. We demand that this bill be introduced in the Lok Sabha and we demand that it be implemented before the 2019 election. Identify the constituencies, declare them as reserved for women, and please make sure that it is implemented in 2019. Thank you. Should I do the second part? Very briefly, I would like to address the second part of my press meet, which is that yesterday, कल हमने देखा कि भारत सरकार के माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने काफ़ी बड़ा प्रेस मीट किया. हम सब ने देखा, टेलीविज़न में देखा, पेपर में देखा. उन्होंने एक बात को एक बार नहीं, बार बार कही कि ऑफिस ऑफ आरजी का ट्विटर हैंडल हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, कि हम एक बार नहीं, बार बार फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है या घट रही है, उस पर संदेह है. क्यों संदेह है? क्योंकि फेक अकाउंट्स से हम कर रहे हैं. पर आज हम एक काउंटर सवाल आईटी मिनिस्टर से करना चाहते हैं, और ये सवाल यह है कि मीडिया में आया है सिल्वर टच कि एनआईसी, जो एनआईसी है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जो आईटी डिपार्टमेंट के अंडर एज अ गवर्नमेंट एजेंसी काम करती है, क्या निक के माध्यम से ऐसे किसी आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, परंतु वो सिर्फ एक कैमोफ्लैज है, वो सिर्फ एक कैमोफ्लैज है. क्या किसी आईटी कंपनी के माध्यम से आप लोग अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं? ये सवाल अहम है. ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि जो पार्टी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस को फेक अकाउंट्स और फेक ट्रेंडिंग के बारे में आरोप ला रही है, उसी भाजपा को ये जवाब देना चाहिए कि अगर आप एनआईसी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे रहे हैं और उसी कंपनी का आप दुरुपयोग या उपयोग कर रहे हैं फॉर सोशल मीडिया ट्रेंडिंग, तो ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट मनी, जो टैक्स पेयर्स मनी है, क्या आप टैक्स पेयर्स मनी से, टैक्स पेयर के पैसे से आप अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं? क्योंकि अगर एनआईसी ने किसी आईटी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है मिनिस्ट्रीज के ट्विटर हैंडल को चलाने के लिए, गुजरात के 17 मिनिस्टर्स के ट्विटर हैंडल चलाने के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि एक प्रोसीजर है. जो प्रधानमंत्री बार बार स्वच्छता की बात करते हैं, सड़कों पर नहीं पर गुड गवर्नेंस के माध्यम से, क्या आपने कोई टेंडरिंग प्रोसेस किया है? क्या वो कंपनी अहमदाबाद बेस्ड है? क्या यही कंपनी कई बड़े उद्योगपति जो जाने माने हैं और भाजपा के करीबी हैं, क्या उनके भी यही आईटी कंपनी है? ये सवाल का जवाब रविशंकर प्रसाद जी को देनी चाहिए, उनको ज़रूर देनी चाहिए कि क्या सरकारी पैसे से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आज एनआईसी का दुरुपयोग करके क्या आप लोग सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? उसका जवाब आप पहले दें कांग्रेस पे कोई आरोप लगाने से पहले. सो ब्रीफली आई विल से इट इन इंग्लिश दैट ऑनरेबल मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी इन हिज प्रेस मीट येस्टरडे एड्रेस्ड मेनी इशूज रिलेटिंग टू Rahul Gandhi ji's campaign in Gujarat. But having said that, he did not hesitate to accuse the Indian National Congress and our vice president that we have actually used fake Twitter handles or some manufactured medium to show our popularity on social media. In response to that, I want to question the IT minister of the Indian government, of the government of India, that there is news in the media that there is a silver touch, that there is a silver touch to your social media campaign. Is the NIC being used to contract
with a private IT firm based in Gujarat to help you with the social trending, Are you spending the taxpayers' money? As far as I know, it is only the Haryana government that has refuted this, but the government of India and the ministers and the ministries which are using that, the Gujarat government ministers who are using that, till now there has been no denial. So these are pertinent questions that you are well within your right to use social media and to trend on it on whatever you wish. But the question is, are you using taxpayers' money camouflaged in a contract with NIC, through NIC? If you have any questions, please feel free to ask. In a press meet, I have asked certain questions to the IT minister. It is in the public domain. It is in the public domain, and he must answer these questions. Today, Haryana government has refuted it. If something goes without a denial, should we take it that that article is true? Focus ye nahi hai ki kaun si company hai. Company koi bhi ho sakti hai. Focus ye hai ki jab koi keh raha hai. Ye aarop agar public domain mein hai ki kya NIC के माध्यम से टैक्सपेयर का पैसे के माध्यम से आप अपना सोशल मीडिया ट्रेंडिंग कर रहे हैं, आप उसको डिनाई कीजिए, आप आईटी मिनिस्टर हैं तो आप आरोप हम पे लगा रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल ट्रोलर्स को फॉलो करती है. द क्वेश्चन इज, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप इन आरोपों का जवाब दें. और आप कोई साधारण स्पोक्सपर्सन नहीं है भाजपा के, आप आईटी मिनिस्टर हैं, आपको जवाब देना चाहिए. द कंपनी एलिजिटली इज कॉल्ड, आई जस्ट गिव इट टू यू, हैव इट रिटन हियर. द कंपनी एलिजिटली हियर इज कॉल्ड, आई थिंक एलिजिटली इज कॉल्ड सिल्वर टच. सो IT minister should reply that what is the basis of selecting this company or any company. I cannot target any company, but I target the government in their propriety, in their transparency, and in their sticking to norms in selection of a company, and how you use a company which has been hired for social media management. Are you using it? Are you indirectly paying them for social media management but taking the services of trending on the media? That is the question. Because I don't think this is as per norms. IT minister should answer this question. Of course I will. I just didn't want to divert. I'll be very happy that I can also ask for a little bit of time as a reservation for women in this press meet. So I will expect at least 3 questions on it. The bill actually languished for 14 years. It was passed eventually. And I think the answer to that would be a careful reading of Honorable President AICC's letter. And the question she's posing is that despite majority in the Lok Sabha, why are you not bringing this bill? Because it is a fact that the 15th Lok Sabha was dissolved because of election and it could not be introduced. So all the obstacles, whether it is social, whether it is political, that stood in the way of the previous government, the question is that why is this government not doing it? Despite saying in the manifesto, it is an admitted position that it was not brought in the Lok Sabha. But the question is that the biggest obstacle of numbers is something that Prime Minister Modi does not have. It's a historical mandate after so many decades. What is his excuse?
टू माय माइंड इट इज द प्रचारक मोदी हु इज नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल. दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टुडे बीइंग डिक्टेटेड बाय द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द आरएसएस. दैट इज माय फियर. एंड द पीपल ऑफ इंडिया डिड नॉट वोट फॉर आरएसएस. द पीपल ऑफ इंडिया हु वोटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर वोटेड फॉर हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर कि मुझे मौका दीजिए देश चलाने का. रास्ता सिंपल है. 31 अक्टूबर को हम प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे. शायद उसका जवाब भी नहीं आएगा. मुझे आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि उसका भी जवाब आएगा. तो बिफोर सेशन वी विल अनाउंस ग्रेजुअली. बट वी आर गोइंग टू कीप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट. वी आर गोइंग टू कीप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस बिल. We have enough member of parliaments. We may not be a party with the largest number, but we have enough member of parliaments from the Indian National Congress and other parties. We will take this up at the Prime Minister's level, organizationally and otherwise. But we will not rest till the Prime Minister is under complete pressure to introduce it. ये बहुत ही अहम सवाल है और इस सवाल के अंदर ही जवाब है कि इस आरक्षण की क्यों जरूरत है. आज हर चीज इज नॉट अबाउट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कि कांग्रेस में कितने टिकट दिए हैं, बीजेपी में कितना टिकट दिया है. इट इज द फर्स्ट टाइम that Congress president has outside the parliament written to the Prime Minister of India saying I am going to support it. So if you are talking about our conviction, जो आप internal बात कर रहे हैं, ये मैंने पिछले press meet में भी कहा था और इस press meet में भी कह रही हूँ कि 30% reservation within the organization is a must. It is as per our constitution. It is as per our constitution and sometimes when an election process happens and that quota is not filled up, they are co-opted. और जब हमारी पूरी body तैयार हो जाएगी तब आप उसका अच्छा survey करके मुझे पूछिएगा. हिमाचल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये problem हर party में है. ये problem हमारी society में है. पर आरक्षण से इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है इसको अगर समझना है तो राजीव जी का काम देखिए. फॉर 73rd और 74th अमेंडमेंट में उन्होंने पूरा पासा पलट दिया रिजर्वेशन करके. तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो समझती है कि रिजर्वेशन क्यों होनी चाहिए. कांग्रेस लीडर्स राहुल जी एंड सोनिया गांधी जी फुली अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड. एंड आई होप दैट प्रधानमंत्री जी को भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि इसकी भी ज़रूरत हर पार्टी में है, हमारे पूरे सिस्टम में है. No, now you, I stand by my promise. Now I'm going to answer. Just come a little closer, yeah. That's a lot of information. Obviously, there is a lot of information that has been shared in this press meet. I haven't had the opportunity to go through it. I can tell you one thing from my own experience of what I have seen in Gujarat. I think it's a great sample study of where the economy is. And it is a great reflection of
what the business community and the common man is feeling. If Prime Minister is saying or the Finance Minister is saying all is well, then I will ask Finance Minister Arun Jaitley ji to go to Gujarat, and listen to what the people are saying. Today, if the economy is turning around, if the economy is healthy, if exports are whatever the figures that you have quoted, I haven't had the opportunity to say it, then why is there no feel-good factor amongst the people? Why is there no feel-good factor amongst the people? I will tell Prime Minister Modi and Honorable Finance Minister that all is not well. That all is not well, and you don't need to convince the media. You need to convince the people who have voted for you. Convince them that your figures mean something real to them. If Thursday is going to be a big announcement in the party, it will be announced. That I can tell you. I'm not the person to announce it today. But having said that, it is public knowledge that our organization, except for the election going states, have been going through the process of organizational elections, which starts right from the booth and goes up to AICC. We are following that process. We are following that process. And where there's an election, there's always a result. Yeah, come on, you. Forget him, doesn't matter. What? Yeah. I can't hear you. Just 1 second, please. Sorry, what did you say? Yes, there has been a recent judgment of the Supreme Court, and generally a legal. Is everything okay? Yahan all is well, hai na? Bol lo. Okay. Acha. I just wanted to say that. You know, as a lawyer, I can tell you that any legal judgment has two aspects. One is what is said obiter, and one is what is called the ratio of the case. So my understanding is that Supreme Court has obiter said that nobody should wear the patriotism on their sleeves. So it is not exactly the ratio of the case, but I will say that patriotism is an emotion that one has towards their country, and I think that how we express it is an individual choice, and there's nothing wrong with the cinema hall playing the national anthem before or after. There's nothing wrong with the national anthem being played before or after any kind of a occasion or a meeting, but the question is to believe that if you don't play it, that you are a non-patriot. I think that is incorrect. So I think that is the spirit of what the Supreme Court has said. Today, by imposing any practice, or imposing any rule, one cannot ensure patriotism. I once again say, it is a feeling that as a citizen, as a national of a great country, something that everyone feels. That's all. Thank you.